वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग, वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं फंक्शंस के ऊपर, फॉर्मुलेज, हम किस तरह से फॉर्मूले क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। जो लोग यूट्यूब पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक कोडिंग क्लासेज है तो पहले एक दो क्लासेज में समझ में नहीं आएगा तो प्लीज सिक्वेंस में मेंटेन कीजिए। सिक्वेंस वीडियोज के लिए आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं फॉर्मुलेज, हम फंक्शन बनाने की बात कर रहे हैं, बट किस तरह के फॉर्मूले। देखिए फॉर्मूले हमारे पास एक्सेल में ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो हमें ऐसे फॉर्मूलेज बनाने हैं जिसका हम बेनिफिट्स ले सकें, जिसके लिए एक्सेल में कुछ ऐसा है ही नहीं, उस तरह की चीजें हम बना सकें, राइट। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे एक सिंपल सी हम बात करते हैं कि मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम दे रहा हूँ, लिस्ट ऑफ नेम दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सेल्स। अब इसमें मेरा नेम कई बार रिपीटेड है तो हम वी लुकअप इस्तेमाल करते हैं, राइट, हम वी लुकअप को इस्तेमाल करते हैं। तो वी लुकअप में क्या होता है कि वन टाइम में हमारा एक ही डेटा मुझे देता है, वन टाइम में हमें सिर्फ एक डेटा ही शो करता है। तो यहाँ मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि एक बार में कई सारा डेटा शो करे। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे पूजा लगाया, और नॉर्मल जो हम वी लुकअप लगाते हैं उस नॉर्मल वी लुकअप में क्या होता है कि पूजा का फर्स्ट जो है वही शो करता है। देखिए पूजा नीचे भी है 23, तो हम चाहते हैं यहाँ पे 29, 23 इस तरह से कॉमा करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखे। बट कैसे? क्योंकि एक्सेल में इसके लिए फॉर्मूला नहीं है। हालांकि टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले की मदद से हम बना सकते हैं, बट टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला 2019 में है, उससे पहले लोअर वर्जन में नहीं है। उससे लोअर वर्जन में हम क्या करें, उसके लिए चलिए हम खुद के फॉर्मूलेज क्रिएट करते हैं। तो बुक फोर पे है, और बुक फोर पे हम एक इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल। ध्यान रखिएगा हमेशा मॉड्यूल के अंदर ही कीजिएगा। तो बुक फोर में हमने मॉड्यूल इंसर्ट किया, और यहाँ पे सबसे पहले टाइप किया फंक्शन। जैसे माइक्रोस के लिए हम सबसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, राइट। उसके बाद फंक्शन का नाम, तो हमने लिख दिया ए लुकअप, बी लुकअप करता है, तो हमने ए लुकअप नाम का एक फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया? ए लुकअप नाम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक पहले चीज आ गई, हमने फॉर्मूला डिक्लेयर कर दिया। अब बात करते हैं कि फॉर्मूले में क्या क्या होगा। जैसे यहाँ आप बी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें बहुत सारे इनपुट्स है ना, चार इनपुट्स है, तो इसमें कितने इनपुट्स होंगे? इसमें हम जो इनपुट है तीन इनपुट देना चाहते हैं। पहला यहाँ पे लुकअप वैल्यू एल वी के नाम से, एल वी एज ए वेरिएंट, ओके, कॉमा हम यहाँ पे देते हैं रेंज डेटा, हम डेटा एज ए रेंज, डेटा के नाम से हमने दिया रेंज। और तीसरा कॉलम सी एल, सी एल एज ए इंटीजर, तो यहाँ हम इंटरफेस करते हैं। तो यहाँ जो हम एल वी का फॉर्मूला लगाएं, ए लुकअप का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वल ए लुकअप, राइट। आगे ए लुकअप सबसे पहला हुआ, यहाँ पे हमने पूजा को सेलेक्ट किया, तो वेरिएंट हमने क्यों दिया, क्योंकि जो ए लुकअप में जो लुकअप वैल्यू होगी वो आपका कुछ भी हो सकता है, डे टाइम टेक्स्ट नंबर एनीथिंग हो सकता है, इसलिए हम इसको वेरिएंट लिए। उसके बाद यहाँ पे आता है डेटा रेंज, आपको अपना डेटा रेंज लेना है जिस डेटा में आपको सर्च करना। ध्यान रखिएगा इसमें हम कॉलम नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसका मैचिंग डेटा लेंगे, ठीक है ना, जो मैच किया जा रहा है। उसके बाद कितने कॉलम का डेटा चाहिए, तो हमने दिया 2, एंड यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने फॉर्मूला में जो D4 पे सिलेक्ट किया, D4 की जो पूजा है एल वी के ऊपर स्टोर हो गया, और जो डेटा रेंज है वो डेटा के ऊपर सेट हो गया, और जो टू है वो सी एल के ऊपर स्टोर हो गया,
यहां तक समझ में आया आप लोगों को? किसी को जी डाउट है सर। इसमें? नहीं सर। हेलो हाँ भाई। सो जी सर, एक क्वारी मेरी ये है, जैसे हम लुकअप वैल्यू सर्च करते हैं, जैसे मान लो ये नाम लिखो आप पूजा, हाँ तो सर पूजा भी तो एक रेंज है देखा जाए तो, हाँ रेंज है, मतलब रेंज भी ले सकते हैं फिर वो आपको आगे, क्योंकि मुझे इसके इसकी वैल्यू ही तो उठाना है ना सर, तो फिर रेंज डॉट वैल्यू कोड बढ़ जाएगा ना आपका, समझे? जी। और जी सर एक सिंगल सेल है तो उस सिंगल सेल की वैल्यू में पूजा से मतलब है ना, पूजा कहाँ स्टोर है उससे थोड़ी मतलब है, समझे? ओके। और सर अगर मान लो मेरे पास जैसे अभी सिंगल नेम है, और हाँ अगर मेरे पास एक लिस्ट होती है जिसको हम एक साथ तो वो करते ड्रैग हैं, कर लेंगे ना फॉर्मूला को हम। हाँ वो ड्रैग हो जाएगा? नहीं सर, सिर्फ ये है कि जैसे मान लो एक ये भी तो एक रेंज, बस हाँ तो ये सर कहने वाला है। अगर रेंज होगा तो फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलवी डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा ना आपको सर, तो वैल्यू वाला कमांड बढ़ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे हम रेंज नहीं ले रहे हैं, वेरिएंट ले रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया फॉर्मूला डिक्लेरेशन, हमने फॉर्मूले को डिक्लेयर कर दिया। अब दूसरा स्टेज जो है वो कैलकुलेशन, कि हम फॉर्मूले को कैलकुलेट कैसे करें, राइट? तो सबसे पहले यहां हम लगाएंगे, यहां पे देंगे डिम आर एज ए रेंज, क्योंकि एक एरिया की बात हुई है, यहां पे देंगे फोर इच आर इन सिलेक्शन सिलेक्शन, और यहां पे नेक्स्ट आर, और फिर यहां लिखेंगे इफ आर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एल बी देन। अब यहां पे हमें एक रिजल्ट के लिए चाहिए डिम एम एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि कॉमा कॉमा ऐड होगा तो स्ट्रिंग होगा, हो यहां पे m इक्वल टू यहां पे m के साथ कॉन्केट होगा यहां पे r डॉट ऑफसेट जीरो रो एंड c कॉलम डॉट वैल्यू, समझे? और फिर एक स्पेस देना होगा, हाँ फिर यहां भी स्पेस देना होगा, सॉरी यहाँ पे एंड परसेंट होगा नॉट ए कॉमा, और यहाँ पे एंड इफ, तो जितने भी ये होंगे रिजल्ट होंगे वो रिजल्ट एम के ऊपर स्टोर हो जाएगा, राइट? तो हमने वी फंक्शन का दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया, इट मींस कैलकुलेशन, देन आता है रिजल्ट असाइन। तो रिजल्ट असाइन, जैसे ए लुकअप जो हमने लिखा, ए लुकअप पे अपना रिजल्ट दे दीजिए जो कि आपका है M, फाइनल रिजल्ट किस पे स्टोर है, M के ऊपर, राइट? तो अभी मैं डबल क्लिक करके एंटर मार, एक मिनट इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, एक मिनट। सर यहाँ पे ना वो आएगा फॉर इच आर इन डेटा, हाँ इन डेटा, एक छोटा सा गलती था, अब सही आ गया पूजा। अब इसमें क्या हुआ, हमने सी मतलब कि टू है हमारा, एक मिनट सी एल हो गया यहाँ पर, थोड़ी सी गलती कर दी थी मैंने, सी एल एज इंटीजर तो टू है यहाँ सर, पे ये सी जी सर, हाँ बोलिए, ये -1 होगा शायद, जी हाँ ऑफसेट है ना इसलिए जी, या फिर हमें यहाँ पे 1 2 की जगह पे 1 देना हो। यस सर। हाँ रिजल्ट आपके सामने आ गया, क्लियर है सर? जी सर। अब जैसे आप बोल रहे थे कि मुझे आर भी रेंज है, मुझे यहाँ पे जो डी फोर है मतलब कि जो एल बी है उसको रेंज कर देते, तो यहाँ पे मुझे एल बी डॉट वैल्यू देना पड़ता, ऐसे नहीं देना पड़ता। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए आगे कॉमा लगा दिया, आगे क्यों कॉमा लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे m के साथ कंबाइन किया, तो फर्स्ट टाइम हमारा m तो ब्लैंक ही है ना जी सर, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा राइट का, क्या लगाऊंगा, राइट का। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, एक्सेल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, राइट इसमें से जाओ,
कंप्लीट लेंथ लेंथ है उस लेंथ में से माइनस करो वन, क्योंकि एक कॉमा आ गया ना इसलिए एक माइनस कर दिया, तो रिजल्ट आपके पास आ गया और कॉमा को इसने हटा दिया। ये चीजें आप यहां भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं राइट एम में जाओ कॉमा कंप्लीट लेंथ एम माइनस वन, राइट क्लियर है। अब यहां पे आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ द नेम है तो आप क्या करेंगे उस नाम को ड्रैग करेंगे, लेकिन फ्रीज करके, बिना फ्रीज के नहीं, क्लियर है, समझ में आप लोगों को। अब इस कोडिंग में किसको दिक्कत है, जाय जी भुवन जी, इस कोडिंग में कोई दिक्कत है आपको, सर एक क्वेरी है मेरी। हाँ पूछिए। सर इसमें जैसे आपने बताया कि हमको हेडिंग नहीं करनी है सिलेक्ट जब हम वैल्यू लेंगे, तो ऐसा ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूजा को मैच कर रहा है ना, हमने बोला आपको इसमें एक से ज्यादा कॉलम नहीं लेना है, हेडिंग में मना नहीं किया आपको मैंने। ओके अगर मैं ऊपर से सिलेक्ट करूंगा जैसे वेलकम में करता हूं तो इक्वल टू पूजा थोड़ी होगा, मैच कर रहा है ना वो तो। ओके ठीक है, ओके क्लियर है डाउट इसमें। अब ये जो फॉर्मूला है आपका ये सिर्फ आपके बी इस पे बुक फोर पे ही इस्तेमाल होगा, समझे, क्योंकि इस बुक फोर के अंदर सेव है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि मेरा फॉर्मूला बुक फोर पे नहीं एवरी फाइल पे चले, मेरे एक्सेल के हर फाइल पे चले, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, इसको मैं हर जगह इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो क्या करेंगे हम, इस फाइल को सेव एज करेंगे, सेव एज ब्राउज, और इसमें एक्सेल एड इंस को लेंगे, क्या लेंगे, एक्सेल एड इंस, और एक लोकेशन पे जाएंगे और ए लुकअप नाम से इसको हम सेव कर देते हैं, राइट, सेव कर दिया। अब मुझे किसी भी एक्सेल फाइल, जरूरी नहीं कि आपका ये बुक फोर ही हो, किसी भी एक्सेल फाइल में जाएंगे हम और क्या करेंगे, एक्सेल ऑप्शन के ऑप्शन में जाएंगे और इसके एड इंस में जाएंगे, राइट, गो, और यहां से हम ब्राउज करेंगे और जो हमने एड इंस सेव किया है उस एड इंस को सिलेक्ट करके ओके करके ओके कर देंगे, क्लियर है। अब मुझे इस फाइल को सेव करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने बाकी एक्सेल फाइल भी बंद कर दिए यहां पे, राइट, हमने सारे एक्सेल फाइल बंद कर दिए। अब मैं एक नया एक्सेल फाइल खोल रहा हूं, राइट। अब इसके अंदर भी आप जाके देखेंगे एक्सेल ऑप्शंस के एड इंस में गो, यहां पे दिख रहा है आपको ए लुकअप का। अब यहां मैं इक्वल ए लुकअप लगा सकता हूं, लगा लिया सर, आ गया, समझे, रिजल्ट यहां ब्लैंक आ रहा है ना, क्योंकि है ही नहीं कुछ, पूजा वैल्यू आया तो है ही नहीं, और यहां पे पूजा अगर हम दे देते हैं तो ब्लैंक, या नंबर देते हैं नंबर, राइट। समझे, तो कैसे आप फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, समझ में आया आपको। हेलो, हाँ जी सुनिए सर, मैं एक इफ कंडीशन का फॉर्मूला क्रिएट कर रहा था तो वो नहीं हुआ था, अगर मेरी वैल्यू 50 से अबव है तो मतलब उसका कोड मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो प्रॉब्लम होती है तो कोड को व्हाट्सएप क्यों नहीं करते हैं, बार बार करता हूँ कि अपने कोड को फोटो खींचिए व्हाट्सएप मार दीजिए। ओके ठीक है, मैं आप उसी से मैं करेक्ट कर दूंगा या उस पर करेक्ट कर दूंगा कि कहाँ पे गलती है। ओके तो अभी आप लोग क्या करें, अभी आप लोग इस फॉर्मूले को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें,